हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनकी स्थिति आज कैसी रहने वाली है, आज आप क्या करने वाले हैं, सामाजिक स्थिति कैसी होगी, राजनीति में आज आपको क्या सफलता मिलेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित नया क्या क्या कर सकते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में आज कुछ नया करने वाले हैं उसमें क्या कर रहे हैं, और आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिलेगा, सरकार से क्या लाभ होगा, सारी बातें की आज हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा था, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं आप, तो अपना प्रश्न लिखिए, नाम लिखिए, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजिए ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज थोड़ा सा समय प्रतिकूल हो सकता है। आज आपके सामने तमाम तरह के चैलेंजेज आ सकता है। आज आपके अपने ही विरोध की स्थिति पर उतर सकते हैं। पारिवारिक फ्रंट पर भी आज आपका विरोध हो सकता है। परिवार में वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। भाई बहनों का असहयोग हो सकता है। इसको लेके आपका मन तनाव में हो सकता है। तो तनाव में आने की जरूरत नहीं है, धैर्य से काम लें। आपकी सारी कार्य सफल होते दिख रही हैं। सरकार से नौकरी से आपको लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी से भी लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी मिलने का आज आपको योग बन रहा है। यदि आपको प्रतियोगी परीक्षा एग्जाम अगर आपने दिया है तो आज रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है। और विदेश से अगर कोई डील करते हैं, लेन देन करते हैं, तभी रुकिए, नहीं तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। आयात निर्यात करने से भी आज आपको बचना है। माली हालत आपकी अच्छी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा और संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। नए फील्ड में अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बढ़िया। इंडस्ट्री वगैरह अगर लगाने की योजना बना रहे हैं तो मित्रों के सहयोग से आज आपको इंडस्ट्री भी लग सकती है। पुराना मित्र कोई सहयोग करेगा और हो सकता है पार्टनरशिप में अगर उसके साथ आप काम करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। उसके लिए भी आज का दिन आपके लिए काफी बेहतरीन है। और अचानक यात्रा से मन उद्विग्न हो सकता है, अकारण तनाव से भी मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है। इन सब चीजों से थोड़ा बचने की जरूरत है। और यदि आज आप इंडस्ट्री, व्यापार, नए तरह के कार्य, ट्रेडिंग, फाइनेंस के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं उसमें भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। आप अगर गाड़ी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीद सकते हैं और नए तरह के कार्य कर सकते हैं। उसके लिए आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो सेकंड थर्ड एडवाइस ले ले, किसी भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और माता पिता के बिना आशीर्वाद लिए कोई किसी कार्य की शुरुआत ना करें। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी कि आप थर्ड एडवाइस या बगैर माता पिता के सलाह से कोई काम की शुरुआत नहीं करनी है। और आज आपको उपाय क्या करना है, भगवान शनिदेव की आराधना करना है और शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपके लिए 8 और शुभ रंग है काला। हरे कृष्ण।